बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। देखो अल्लाह तबारक व ताला ने नबी को जो पैगाम हक दिया वो भी आंख और कान के जरिए से इंसान समझता है, और फिर इन जरियों के से इंसान जब अपन माफ़ी ज़मीर पेश करता है, अपनी ज़बान के ज़रिए से अपने मुद्दा पेश करता है, अपने हाथ की तहरीर और इशारे से अपने मुद्दा को पेश करता है, तो अब पेश करने के अंदर एक ख़ास तर्ज अमल की ज़रूरत होती है कि ये सामने वाले को जो अपना माफ़ी ज़मीर पेश कर रहा है ये किस अंदाज से पेश कर रहा है। इस अंदाज की बड़ी अहमियत है। अहमियत को जब इंसान सामने रखता है कि मुझे अपना माफ़ी ज़मीर कैसे पेश करना है, किस अंदाज से मैंने ये अपनी बात सामने रखनी है, गोया कि ये प्रेजेंटेशन है। और आप जानते हैं कि आज की जदीद दुनिया के अंदर प्रेजेंटेशन की बड़ी अहमियत है। आपके अंदर जितना भी इलम है, आप में जितनी भी महारत है, लेकिन आप सामने वालों के सामने उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, सामने वालों के सामने पेश कैसे कर रहे हैं, इस पेश करने का बड़ी अहमियत है। क्योंकि अगर आपने पेश अच्छे तरीके से नहीं किया तो आपके अंदर सीने में जितना भी इलम होगा सामने वाले पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आप अपने फन के कितने भी एक्सपर्ट होंगे सामने वाले पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सामने वाले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो आपकी प्रेजेंटेशन देके फैसला करेंगे नहीं बंदा काम का नहीं है। आप कहेंगे यार मेरा 20 साल का तजर्बा है, अजी मुझे तो इतने इतने अवार्ड मिल चुके हैं, अजी मुझे तो ये नोबल प्राइज़ मिल चुके हैं। कहते ठीक है मिल चुके होंगे, लेकिन आपने अपना जो माफ़ी ज़मीर पेश किया है, ये जो ब्रीफिंग आपने दी है, ये प्रेजेंटेशन आपकी जो इम्प्रेसिव नहीं थी, लिहाजा सॉरी हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते। ये जो प्रेजेंटेशन है इसको अल्लाह तबारक व ताला ने भी अहमियत दी है। यही वजह है ये जो प्रेजेंटेशन अच्छे अंदाज से जब किसी बात को पेश करना है, कुरान करीम ने उसको हिकमत कहा है, ये हिकमत कहलाती है। और अल्लाह ने कहा कि यो तिर हिकमत मन यशा, हिकमत अल्लाह देता है जिसको चाहता है, हर एक की बस की बात नहीं है, ये किसी किसी को अल्लाह अता करते हैं। ये हिकमत अल्लाह किसी किसी को अता करते हैं, हर एक की किस्मत में नहीं होती, हर एक के दिल में जो बात आती है मुंह पे बक देता है, नहीं। ये यो तिल हिकमत अम्मा यशा, अल्लाह तबारक व ताला हिकमत जिसको चाहता है देता है, हर एक की किस्मत में ये हिकमत नहीं है। और साथ ही फरमाया वो मैं यो तल हिकमता फ़कत ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसको हिकमत अता कर दी गई, इसलिए कि ज़बान से कलाम तो सब ने करना है, हाथ के इशारे या हाथ की तहरीर से बयान तो सब ने करना है, लेकिन उसको किस हिकमत के साथ पेश करना है, ये जो हिकमत है वो मैं यो तल हिकमता, जिसको ये हिकमत अता कर दी गई, ये प्रेजेंटेशन का सलीका जिसको अता कर दिया गया, फ़कत ऊतिया खैरन कसीरा, उसको बहुत बड़ी खैर अता कर दी गई। अल्लाह ने सिर्फ खैर नहीं फरमाया, अगर अल्लाह खैर भी कह देते कि उसको खैर दे दी गई तो अल्लाह की खैर भी तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन खैर के साथ कसीरा का भी का वसफ भी जिक्र कर दिया कि खैर भी इतनी कसीर खैर है कि तुम्हारी शुमार में नहीं आती, शर्त यह कि तुम्हें हिकमत अता कर दी गई। हिकमत इतनी बड़ी दौलत है।